इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक होता है कि जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, सिंपल होते हैं उसके फॉर्मूला, आपको जो ट्रिक्स इसकी पता होनी चाहिए, जो ये जो फॉर्मूला होते हैं ये आपको पता होने चाहिए इसके। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो जो इसके पॉजिटिव के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो जब इसका पेसिव हम चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस ये जो वर्ब होती है एस या एस होता है, इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज़ होता है। और जैसा कि हम जानते हैं वर्ब की जो थर्ड फॉर्म पेसिव में यूज होनी ही होनी है, और प्लस सब्जेक्ट हमारा चेंज होकर यहाँ पर आ जाता है। जैसे एक सेंटेंस देख ले, ही राइट्स ए लेटर, तो हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें एस या एस में से एस जो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हमें अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, पैसिव वर्ब के लिए इज आर एम से यूज करनी है। हम क्या यूज करेंगे, पहले ये अपना ऑब्जेक्ट उठाकर यहाँ रखेंगे, इट मींस ए लेटर। अब एस या एस है तो इज आर एम में लगाना है, लेटर सिंगुलर है तो इज रिटन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होनी है, वर्ब में थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, बाय हिम, ही का हिम होना मैंने आपको चेंज करना बताया था। अब एक्टिव सेंटेंस में दे प्ले ए मैच, ये प्लूरल का सेंटेंस है, एस या एस नहीं है बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पर दे रखी है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ए मैच। अब हमें इजारा में से यूज करनी है तो इमेज क्या है, सिंगुलर है, इज प्लेड बाय देम, छोटे से फॉर्मूला होते हैं, ये फॉर्मूले ही आपको जो है याद होने चाहिए।